आज से बिना ड्राइवर दौड़ी मेट्रो, प्रधानमंत्री मोदी ने चालक रही ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने कहा 2025 तक 25 शहरों में मेट्रो चलाने का लक्ष्य। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का सफल सफर 37 किलोमीटर का, दिल्ली मेट्रो के मेजेंटा और पिंक लाइन पर चलेगी ट्रेन। ये मोदी ने एनसीएमसी कार्ड का भी किया उद्घाटन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो रिचार्ज, शॉपिंग जैसी कई सुविधाएं एक कार्ड से। अरुण जेटली की जयंती पर डीडीसीए ने आयोजित किया कार्यक्रम। फिरोजशाह कोटला मैदान में लगी प्रतिमा का अनावरण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में मौजूद, सौरभ गांगुली भी शामिल। अमित शाह ने कहा अरुण जेटली का राजनीति में बड़ा योगदान, सदन की गरिमा का रखा ख्याल। काम को अंजाम तक ले देना कि एकमात्र उद्देश्य थे, अहर्निश परिश्रम करना अरुण जी की खासियत। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी का समन, 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। पीएमसी बैंक घोटाला मामले में होंगे सवाल जवाब, तीसरी बार ईडी ने भेजा है समन। गिरफ्तारी से बचने के लिए कल पूछताछ में शामिल हो सकती है वर्षा राउत, पहले भी जारी हुआ था 2 समन। बीजेपी नेता राम कदम का ट्वीट, कर नहीं तो डर किस बात का, क्या दाल में कुछ काला है। संजय राउत की पत्नी को मिले ईडी के नोटिस पर बोले किरीट सोमैया, एसजेआईएल से 55 लाख लेने पर सवाल में क्या गलत है। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी के समन पर बड़ी सियासत, दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे संजय राउत। संजय राउत ने कहा बीजेपी कह रही है मेरी पत्नी को नोटिस, जानकारी के लिए एक शख्स को भेजा है बीजेपी दफ्तर। ईडी के समन पर भड़के संजय राउत, ट्वीट किया देखते हैं किसमें कितना है दम। ईडी के समन के बाद सामना में सख्त संपादकीय है, जानवरों का बाड़ा चला रही सरकार, मौजूदा शासन काल में लोग भेड़ बकरी। सामना में लगाया आरोप, सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग उनकी बहुमत के रखवाले, फिर तंज की चिंता क्यों। आंदोलनकारी किसानों के बातचीत वाले प्रस्ताव पर आज सरकार दे सकती है जवाब, कल हो सकती है किसानों सरकार में 7वें दौर की बातचीत। किसानों के सरकार को अल्टीमेटम, मांग नहीं मानी गई तो और तेज होगा आंदोलन। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर प्रभात फेरी का आयोजन, किसानों को जागरूक करने का अभियान। हरियाणा में भी टोल नाकों को फ्री करवाने के लिए किसानों की मुहिम, सभी नाकों पर लगातार धरने की तैयारी। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर शंभू टोल प्लाजा पर किसानों का जमावड़ा, कृषि कानून के खिलाफ धरना। दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड पर भी किसानों का धरना जारी, खाली मैदान में शुरू की प्याज की खेती। यूपी के कई जिलों से किसानों के दिल्ली आने की सूचना, सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को मैदान में उतारा। बिहार के कैमूर में धान की खरीद नहीं होने से परेशान किसान, सहकारिता पदाधिकारियों से लगा रहे गुहार। बिहार के सीतामढ़ी में भी विरोध में उतरे किसान, गन्ना जलाकर जताया गुस्सा। मंडी में किसानों और सेंटर इंचार्ज में मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने लिया संज्ञान। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन का आज 33वां दिन, ठंड के बावजूद डटे हैं किसान। अमृतसर की पॉश कॉलोनी से किसानों के समर्थन में निकला मार्च, दिल्ली जाने की भी तैयारी। पंजाब में 2 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली के लिए होंगे रवाना, बठिंडा से चले कई किसान परिवार। बरनाला से किसान आंदोलन के लिए भेजी गई रसद, शरबदा भला सोसाइटी की तरफ से सब्जी, फल और कंबल भेजे गए। दिल्ली बॉर्डर पर भी नया साल और लोहड़ी मनाने की तैयारी, 5 क्विंटल गजक, मूंगफली और रेवड़ी भेजी गई। अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में जाने से नाराज नीतीश, मुख्यमंत्री नहीं बनने की इच्छा दोहराई। अध्यक्ष बदलते ही बीजेपी पर जेडीयू हुई हमलावर, नए पार्टी अध्यक्ष आरसीपी ने कहा हम किसी के पीठ में ना छुरा मारते हैं ना मारने का मौका देते हैं। ग्वालियर में मेडिकल कॉलेज के दौरे पर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, अचानक अपने पास देखकर दंग रह गए 2 MBBS के छात्रा। सिंधिया ने छात्रों से की बात, पढ़ाई के लिए जानकारी। फिरोजाबाद में नोडल अधिकारी ने किया मंडी समिति का निरीक्षण, किसानों से की बात। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा माथाबंगा में राज्य मंत्री की अगुवाई में बीजेपी के जिला सचिव के घर पर हुआ था हमला।
मंत्री पद छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले शुभेंदु को ममता बनर्जी पर हमला किया, कहा बुआ भतीजे की कंपनी बन गई है तृणमूल पार्टी। सीए को लेकर बीजेपी ने फिर भरी हुंकार, पार्टी नेता तथागत रॉय ने कहा तृणमूल चाहे जितना विरोध करे सीए लागू होकर रहेगा। वर्धमान में तृणमूल और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प, कई लोग घायल। फरुखाबाद में भू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सरकारी तालाब की जमीन पर से कब्जा हटा। आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस, देश भर में कांग्रेस निकाल रही है तिरंगा यात्रा। स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय पहुंची प्रियंका गांधी, के एंटनी ने फहराया पार्टी का झंडा। प्रियंका गांधी ने कहा किसानों के लिए सरकार जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रही ये पाप है, राजनीतिक साजिश का आरोप गलत। शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट, कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस और राहुल गांधी 9-2-11। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा राहुल गांधी अपनी नानी से मिलने गए, बीजेपी निचले स्तर की राजनीति पर उतरी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी साजिश नाकाम, ग्रेनेड के साथ 3 आतंकी गिरफ्तार। शोपियां फेक एनकाउंटर केस में जम्मू कश्मीर का बड़ा खुलासा, सेना के कैप्टन ने अपने 2 साथियों के साथ मजदूरों के शव पर रखे थे हथियार। गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट के मिलिट्री इंटेलिजेंस हट में लगी आग, एक हट पूरी तरह से खाक। झारखंड के सिमडेगा में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के पोस्टर से हड़कंप, पुलिस ने बस स्टैंड से हटाया पोस्टर, सुरक्षा बढ़ाई। यूपी में गाड़ियों पर जाति लिखने पर अब खैर नहीं, लखनऊ में पुलिस ने किए 500 रुपए का चालान। यूपी के उन्नाव में गाड़ी पर जाति सूचक शब्द लिखवाने पर कार्रवाई, 5 गाड़ियों का कटा चालान। विकासनगर में रेडीमेड कपड़ों की दुकान में आग, हादसे में एक शख्स की मौत। सहारनपुर में लकड़ी के सामान से भरे ट्रक में आग, पूरा सामान खाक। अमरोहा में कंबल वितरण के दौरान मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजी सिंह राठौर ने की हवाई फायरिंग, वीडियो वायरल, प्रशासन ने साधी चुप्पी। बागपत में एक परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश, एक बच्ची की मौत, महिला और दूसरा बच्चा पूरी तरह झुलसे। स्कॉर्पियो को मॉडिफाई कर फंस गया युवक, गाजियाबाद पुलिस ने ठोका 41,500 का फाइन। सीए विरोधी प्रदर्शन को लेकर पुलिस की कार्रवाई, बफर के कारोबारी बाबरी मंडी बंद कर जताया विरोध। पानी लेकर महिलाओं ने लगाया जाम, गुस्साए लोगों ने नगर पालिका चेयरमैन को पानी में उतारा। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को स्वास्थ्य कर्मियों ने घेरा, कोरोना के दौरान 8 महीने नौकरी करवाने के बाद हटाने का आरोप। हिमाचल के ऊना में पंचायत चुनाव के बीच ट्रक से शराब की 400 पेटी बरामद, ड्राइवर गिरफ्तार। राजस्थान के माउंट आबू में 0 से 2 डिग्री नीचे गिरा पारा, जमने लगा पानी। हिसार में कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान 2.2 पहुंचा डिग्री पर पहुंचा। मसूरी में मौसम की पहली बर्फबारी, ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। वैष्णो देवी में बर्फबारी के नए खेल, ठंड में और इजाफा। ठंड से कांपा हिमाचल का ऊना, धुंध से पारा गिरा, सड़कों पर आवाजाही कम। कोरोना वैक्सीन से पहले आज से 2 दिनों का ड्राई रन, पंजाब के साथ साथ आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम में ट्रायल। टीकाकरण के निर्धारित मानकों का रखा जाएगा ख्याल, वैक्सीन लेने वालों पर बारीकी से रखी जाएगी नजर। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन, पुलिस दमकल कर्मी, सफाई कर्मचारियों और बुजुर्गों को प्राथमिकता। ब्रिटेन से मुंबई लौटे 11 यात्री निकले कोरोना पॉजिटिव, बीएमसी ने किए 738 यात्रियों के टेस्ट। विदेशों से यूपी आने वालों की होगी कोरोना जांच, क्वारंटीन में भी रहना जरूरी। कोरोना से पीड़ित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की तबीयत बिगड़ी, देहरादून के दून अस्पताल में भर्ती। कोविड अस्पताल से 4 कैदियों के भागने से हड़कंप, पकड़ में आए 3 कैदी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 757 नए मामले, एक दिन में 16 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले, 1,27,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,800 से ज्यादा केस, 19,16,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। गाजियाबाद के कौशाम्बी के संदिग्ध परिस्थितियों में एक शख्स मेट्रो की चपेट में आया, मेट्रो स्टाफ और सीआईएसएफ के जवानों ने बचाई जान। दिल्ली में राजघाट के पास जंगलों में आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने पाया काबू। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मुर्गियों से भरी गाड़ी पलटी, लूटने की मची होड़। ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़, नीचे गिरा ट्रक, ड्राइवर समेत 3 लोग जख्मी।
सौतेली मां ने 9 साल के बेटे को गर्म तवे पर खड़ा किया। पीड़ित के मामा की शिकायत के बाद केस दर्ज। दिल्ली में सरेआम एटीएम में लूट, मेवाती गिरोह के हाथ होने की आशंका। बुजुर्ग की जली लाश मिलने से हड़कंप, चाट में जुटी पुलिस। खड़ी ट्रेन में पकड़ी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हाथ में तमंचा लेकर बदमाशों ने की बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद चोरों की तलाश जारी। प्रॉपर्टी डीलर हर्ष पचौरी हत्याकांड में खुलासा, कत्ल के लिए 2,10,00,000 की दी गई थी सुपारी। रेलवे क्रॉसिंग के पिलर के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरा शख्स, घंटों चले रेस्क्यू के बाद निकली डेड बॉडी। चटनाका पर पकड़ में आया अपराधी, हथियार के साथ गिरफ्तार। मां ने 5 महीने के बच्चे की ली जान, पुलिस ने किया गिरफ्तार। असम के धुबरी में जमीन विवाद में 2 लोगों की गई जान, 2 जख्मी। ड्रग्स के इस्तेमाल के शक में शहर के कई बार सील, गिरफ्त में आया ड्रग पेडलर से पूछताछ के बाद कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।